मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने गंज थाने में हंगामा कर पुलिस पर मौत का आरोप लगाया। ऐसे में पुलिस कस्टडी में मौत से इनकार कर रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस हिरासत में ही हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक लल्लू माथनकर शिक्षण कार्य करता था, जिसे लगभग 8 दिन पहले पुलिस किसी मामले को लेकर पूछताछ करने गंज थाने लाई थी, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई कि युवक लल्लू की जिला अस्पताल में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने गंज थाना पहुंचकर हंगामा किया। वहीं पूर्व पार्षद अनिल जैन ने लल्लू की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर टीआई ने कहा कि फिलहाल शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। व्यक्ति की किन कारणों से मौत हुई फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 4-5-6 दिन पहले बोले सिंगा जी वक्त वहाँ से उठा के ले गए, बोले कोई पुलिस वाले ले गए, बोले एक बालू नाम का लड़का था, उसको और इसको दोनों को ले गए। उसके बाद में शाम को मैंने उसी रात, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैंने बोला ये 10 बज गए 11 बज गए करके मैंने फ़ोन लगाया 12 बजे से लेके 1 बजे तक 7 बार फ़ोन स्विच ऑफ बताया गया। हमको भी अभी जानकारी मिली है कि इसमें जो है किसी ने रात को वहाँ पर एडमिट करवाया था इनको हॉस्पिटल में, और इनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी जानकारी मिली है। आपने ये जानकारी आ रही कि कस्टडी में मौत हुई है? नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि पुलिस ने 1 हफ्ते पहले उनको उठाया था। नहीं, उसको पूछताछ के लिए हमारे जवानों ने लेकर आए थे उनको, और तुरंत ही उसको पूछताछ के बाद तुरंत ही उनको छोड़ दिया।